रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम विवर, भैया किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। मेरे पास 250 ग्राम खोया है, 250 ग्राम चीनी है, ये 3 चम्मच मैदे की है, 1 चुटकी वनीला है, 1 चुटकी मीठा सोडा है, 4 अदद जो इलायची है मेरे पास, और 1 कप मेरे पास पानी है ये शीरे के लिए। चीनी डाल के 1 कप पानी डाल दिया था, ये मैं अब शीरा तैयार कर रहा हूँ और इसके अंदर ये मैंने डाल दिया इलायचियाँ। ये अब शीरा तैयार हो रहा है, यह वनीला आ गया इसके अंदर खोए के अंदर, ये मीठा सोडा आ गया इसके अंदर, 1 चुटकी है, ज़्यादा नहीं डालना, और ये 3 चम्मच मैदा आ गया। हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये शीरा तैयार हो गया, इस कलर में आना चाहिए शीरे को, हल्का लाइट ब्राउन जो सा ना, देखे ना ऐसे रंग अपना खुद बता रहा है ये, इस तरीके से आपने शीरे को जो सा ना, ये अब तैयार है शीरा गुलाब जामुन का। ये इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल हाथ में लगाना और ये इस तरीके से आपने गोलियां बना रही हैं इसमें, ये गुलाब जामुन की गोलियां। ये इस तरीके से गुलाब जामुन की गोलियां बनानी है, ये देखें इस तरीके से इसको ऑयल में छोड़ना है आपने। इस तरीके से ऑयल में छोड़ना है इस गुलाब जामुन को। इंशाल्लाह ताला आप बनाएंगे रेसिपी इतनी जबरदस्त बनेंगी, ये बिल्कुल प्योर खोए के हैं ये। ये इस तरीके से आपने इसको इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी ऐसी होगी आप खुद कहेंगे कि ये देखें इस ये कलर आना चाहिए इसके अंदर गुलाब जामुनों का, ये कलर, इस कलर में गुलाब जामुन जो सा ना, ये मैं शीरे में डाल रहा हूँ इनको, ये कलर होना चाहिए। ये देखें कितने जबरदस्त और कितनी जबरदस्त लुक आई है, ये देखें कि ये देखें कितनी जबरदस्त लुक आई है इसकी गुलाब जामुनों की। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें, शेयर लाजमी कर दिया करें, कमेंट में भी मुझे लाजमी बताया करें कि भी अपनी राय दिया करें, मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूं। और ये देखें कितनी जबरदस्त गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। ये इस तरीके से मैंने पहला सादा बनाया था, अब मैंने इसके अंदर बादाम डाल दिया और इसे मैं फोल्ड कर रहा हूँ, ये देखें इस तरीके से, ये इसको मैंने फोल्ड कर दिया और इस तरीके से इसको रोल कर देना इसके अंदर, मैंने ये बादाम डाल के ना, ये देखें मैंने इसमें फोल्ड कर दिए। बादाम वाला ये डाल रहा हूँ गुलाब जामुन, ये देखें बादाम वाले हैं, इसको मैंने हल्का ज्यादा तेज ब्राउन किया, ये हल्का तेज डार्क ब्राउन होता है ये बादामों वाला, ये देखें इस तरीके से ये शीरे के अंदर मैंने डाल दिए, ये देखें इस तरीके से जो है ना, ये बादामों वाला है, ये इसके अंदर बादाम है, ये देखें गुलाब जामुन तैयार हो गया है, ये पिस्ता है, ये बादाम है, ये मैं पिस्ते लगा रहा हूँ इसके ऊपर, ये इस तरीके से आपने इस पे पिस्ते लगाना है। ये बादामों वाला है, ये सादा है, ये जो बादामों वाला है इसको मैंने जरा थोड़ा ब्राउन कर लिया था और इसको लाइट ब्राउन किया था, ये मैंने पिस्ते इसके ऊपर डाल रहा हूँ, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और इस तरीके से जो सा ना आपने गुलाब जामुन बनाने हैं, ये बिल्कुल जेन्युइन तरीके के गुलाब जामुन है, कोई ये नहीं है कि कोई किसी ने सूजी के, किसी ने डबर रोटी के, मैं ऐसी चीज नहीं बनाऊंगा। मेरे चैनल के ऊपर जो है ना आपको बिल्कुल जेन्युइन चीज मिलेगी, और मेरे चैनल को एंड तक देखा करें। अगर आपने रेसिपी सीखनी है, कुछ सीखना है, तो फिर आप मेरे चैनल को जो है ना एंड तक देखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ मिलेगा मेरे चैनल पे। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दिया करें, और कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें, और लाइक पे लाजमी क्या करें, और मेरी मेहनत होती है, देखो कितने जबरदस्त मैंने गुलाब जामुन बनाया, कमेंट में मुझे लाजमी बताया करें, और ये मेरी मेहनत होती है, और मैंने ये जो सा ना गुलाब जामुन
एक के अंदर मैंने बादाम रखा है और एक है सादे। इंशाल्लाह ताला आप बनाओगे, मैं आप मेहमानों के आगे पेश करोगे, कोई यही नहीं कहेगा कि आप डबल रोटी के बना रहे हो या सूजी के बना रहे हो। बनाओ तो जैनवर बनाओ, पता लगे कि भी किसी मिठाई की दुकान से ये लेके आए, उन्होंने खुद नहीं बनाए। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि मेरे चैनल के अंदर आपको जैनवर चीज मिलेगी। मैं कभी कोई चीज वो नहीं बनाऊंगा आर्टिफिशियल। तो ये है कि मेरे लिए दुआ कर दिया करें और मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊंगा आपके लिए, और मेरे लिए दुआ लाजमी क्या करें, और मैं इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए ले आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।